नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डेट है आज की 2 मई 2021। वैसे तो आज संडे है तो एडिटोरियल डिस्कशन आज की डेट में आता नहीं है, बट अगर आपको याद हो तो 29 अप्रैल 2021 में मैंने आपको जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, लेकिन मैं केवल 4 डिस्कस कर पा रहा हूँ चूँकि बाकी डिस्कस करने का समय नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर समय मिला तो मैं संडे को बचे हुए एडिटोरियल्स डिस्कस कर दूंगा। तो आज वही बचे हुए एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर, द साइलेंट थ्रेट। जिस प्रकार से कोरोना का पैंडेमिक अभी के समय पर एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के बैठा है हमारे सामने, उसी प्रकार से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उसके रिस्पेक्ट में ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जहांगीर कामा साहब ने इस आर्टिकल को लिखा, इंडस्ट्री रिसर्च फेलो है वेलकम ट्रस्ट फंडेड ट्रांसलेशनल रिसर्च एक्सचेंज में। तो इनके व्यू पॉइंट्स को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा इस आर्टिकल का जो मैं छोड़ूंगा। उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग। ये भी इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिस्पेक्ट में 22 अप्रैल को जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू की हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स का, कुछ ऐसे दवाइयों का, मेडिसिन का, इंजेक्शन का नाम लिया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं प्रूवन सोर्स नहीं है ये बताने के लिए कि भाई COVID-19 की डिजीज में सॉल्व करेंगे। देखिए, दुनिया भर में COVID-19 के रिस्पेक्ट में अगर कोई दवाई रिकमेंड की जाती है तो उस दवाई की इफेक्टिवनेस क्या है, तो इंडिया के अंदर आप देखोगे तो इफेक्टिवनेस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बताएगा। स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस आई हैं, यहाँ पे उन दवाइयों का नाम लेना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड टेस्टेड हैं और सही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दवाई को सही बोला है, या फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने अगर किसी दवाई को सही बोला है, तो आप कह सकते हो जो दवाइयाँ WHO इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बोली जा चुकी हैं कि दे आर नॉट प्रूवन सोर्स ऑफ COVID-19 मेडिसिन, मतलब वो COVID-19 की प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, दे आर नॉट प्रूवन सोर्स टू क्योर COVID-19, तो ऐसे केसेस में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस में इन ड्रग्स का नाम आ रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मिस इन्फॉर्मेशन और इसको आप बोलोगे मिसलीडिंग। उसके रिस्पेक्ट में यहाँ बातचीत करी गई है और ये बताया गया कि अगर जो दवाइयाँ जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, मान लीजिए कोई दवाई COVID-19 के लिए नहीं है, बट उसको अगर आप COVID-19 के लिए रिकमेंड करते हो तो बाकी बीमारियां जिनके लिए वो दवाई एक्चुअली है, उस बीमारियों से जो लोग सफर कर रहे हैं उनके पास उन दवाइयों की कमी हो सकती है। उसके रिस्पेक्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल में, भी मैं कोई पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं। और फाइनली सोशल वेलफेयर को यूनिवर्सल बनाने की बात की गई, ये एक अच्छा, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। माधुरी धारीवाल जी ने इस आर्टिकल को लिखा है, शी इज सीनियर लीड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरसेक्शन, इनके व्यू पॉइंट्स को भी डेवलप करेंगे। तो तीनों आर्टिकल आई विल से दे आर नो लेस देन द अदर, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले। शुरुआत करेंगे माधुरी धारीवाल जी के आर्टिकल के साथ जिसका टाइटल है मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड प्रोवाइडिंग यूनिवर्सिटी सोशल सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीटेड मिल जाएगी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीटेड मिल जाएगा, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चालू है, सतीश चंद्र की मीडियल हिस्ट्री चालू है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, NCERT 6 से लेकर 12 तक की मैंने बहुत सी किताबें बना रखी हैं, बहुत सी किताबें इन प्रोसेस हैं, जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आपको अगर फ़ायदा मिले तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबाओ, अगर नहीं कर सकते हो बिल्कुल मत दबाओ। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैसेजेस, वीडियोस, फोटोज बहुत अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई अपडेट देनी हो तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, कोई अगर PDF जो मैं करंट अफेयर्स की बनाता हूँ वो भी आपकी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट होगी। इस आज के एडिटोरियल डिस्कशन की PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी, करंट अफेयर्स डिस्कशन की PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में जाती है, विनी सर जो क्विज बनाते हैं उसकी भी जाती है, साथ साथ जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनती हैं उसकी भी जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल, क्या बताया जा रहा है। देखिए, इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट वेलफेयर स्टेट माना जाता है। क्यों वेलफेयर स्टेट माना जाता है? क्योंकि हमारे जो DPSPs हैं, आप कह सकते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी Article 36 to 51, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। बाइंडिंग नहीं बनाते हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं बनाते हैं, कोर्ट में जस्टिफिएबल नहीं बनाते हैं, बट फिर भी अगर किसी सरकार को इलेक्ट होकर फिर से पावर में आता है तो वेलफेयर के रिस्पेक्ट में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके टारगेट्स के लिए तो कुछ ना कुछ स्कीम बनानी ही पड़ेगी सरकारों को।
लेकिन आप ये देखो कि जब COVID-19 ने स्ट्राइक किया 2020 में, तो हमारी गवर्नमेंट सरकारें फेल हो चुकी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स को बचाने में। मल्टीपल क्राइसिस अब तक देखी जा चुकी है COVID-19 के अंदर, क्या क्या है, मल्टीपल मास इंट्रा और इंट्रा माइग्रेशन, इंटर माइग्रेशन और इंट्रा माइग्रेशन, मतलब एक स्टेट के अंदर रूरल से अर्बन में माइग्रेशन या अर्बन से रूरल माइग्रेशन, और अलग अलग स्टेट्स के अंदर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंटरनेशनली भी जो लोग इंडिया से बाहर जाके काम कर रहे थे, जब उनकी जॉब जाने लगी, वो भाग के इंडिया आने लगे कि कहीं इंडिया में बंद ना हो जाए। फूड इनसिक्योरिटी देखी जाने लगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल क्रम्बल कर गया है, ना हॉस्पिटल बेड्स बचे हुए, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हुए। इसके चलते 75 मिलियन लोग और पॉवर्टी में चले गए। जब से कोरोना वायरस फैला, 7.5 करोड़ लोग पॉवर्टी में चले गए। जो सेकंड वेव, वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। सेकंड वेव ने तो मिडिल और अपर क्लास के लोगों को भी हिला के रख दिया। और यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल भले कुछ लोगों के पास अवेलेबल हो, बट सोशल कैपिटल यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा इकोनॉमिक कैपिटल और सोशल कैपिटल में यहाँ पे फर्क क्या होता है। इकोनॉमिक आप समझ सकते हो कि पैसों का एब्सेंस होना, ओके, या फिर पैसों का प्रेजेंस होना। तो जो लोग जिनके पास पैसे प्रेजेंट है, वेल एंड गुड। सोशल कैपिटल क्या होती है, किसी की मदद कर देना। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पर जा रहे हो, आपने देखा कि कोई बहुत बूढ़े आदमी नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कोई ब्लाइंड पर्सन है, या फिर पार्शली ब्लाइंड है, वो किसी वजह से सड़क नहीं पास कर पा रहा है, तो आपने उसकी मदद कर दी सड़क पार कराने में। व्हाट इज दिस, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सोशल हेल्प। इस प्रकार के बहुत तरीके के सोशल कैपिटल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या सारे सोशल कैपिटल डिप्लॉयड है? यहाँ पे कंटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऑथर करने की कोशिश क्या कह रहा है। सुनते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। हमारे देश में 500 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार चला रही हो, चाहे राज्य सरकार चला रही हो, चाहे लोकल लेवल सरकारें चला रही हो। ये स्कीम्स उन लोगों की तरह प्रति टारगेट की जाती हैं जिनको ज़रूरतमंद है। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि ज़रूरतमंदों के लिए आपने स्कीम बना रखी है, स्कीम के बेनिफिट दे रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्कीम कितनी अच्छी कितनी बुरी है। सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्कीम के बेनिफिट किसको मिलना चाहिए। और ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आया है इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के समय पे, मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स की हालत को अगर देखें तो। इसके रिस्पेक्ट में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ इसी आर्टिकल में दिया गया एग्जाम्पल, मैं नहीं दे रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई आयरलैंड में एक पुअर लॉ सिस्टम बनाया गया था, एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। 19th सेंचुरी का जो आयरलैंड था, वो एक ऐसी कंट्री थी जिसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा फैमिन था। तो वहाँ पे पुअर लॉ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या बोला गया कि लोकल प्रॉपर्टी टैक्सेस रिच से कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी पुअर को। बट यहाँ पे जो रिलीफ प्रोवाइड की गई, वहाँ पे पहली बात तो इस बात पे ध्यान दिया गया कि टाइमली असिस्टेंस, समय पे लोगों के पास मदद पहुंचनी चाहिए। तो कोई आदमी बीमार है, उसके पास कुछ समय ही बचा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, तुरंत मदद पहुंचाओ। ये नहीं कि मदद एक दो दिन बाद पहुंच रही और वो मर गया, एक चीज़। दूसरा, जब आप मदद पहुंचा रहे हो, प्लस भाई डिग्निटी और रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द पुअर को भी ध्यान रख के किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के रिस्पॉन्सेज आज की डेट में इंडिया में भी होने की ज़रूरत है। अगर आप आज की डेट का सोशल वेलफेयर सिस्टम देखोगे आयरलैंड का, तो उसमें चार चीज़ों पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है। एक तो सोशल इंश्योरेंस, दूसरा सोशल असिस्टेंस, तीसरा यूनिवर्सल स्कीम्स, चौथा एक्स्ट्रा बेनिफिट सप्लीमेंट्स। यूनिवर्सल स्कीम का मतलब क्या हो गया कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस मतलब कि इंश्योरेंस एक प्रकार का, मतलब सोशली सोसाइटी आपकी मदद करेगी, ये बात इंश्योर्ड है आपके लिए। इंडिया में क्या ऐसा है, इंडिया में स्कीमें बनाई गई हैं अलग अलग वल्नरेबल पीपल की मदद करने के लिए। अगर आप स्कीम के कह सकते हो कि एलिजिबिलिटी में आते हो तो आपको मदद मिलेगी, अगर एलिजिबिलिटी में नहीं आते हो तो मदद नहीं मिलेगी। इसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है उसको ऑथर फ्लॉड बता रहे हैं। क्यों फ्लॉड बता रहे हैं, किस बेसिस पे माधुरी जी इसको फ्लॉड बता रही हैं? यहाँ पे ये एग्जांपल कोट कर रही हैं पल्स पोलियो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। ये जो पल्स पोलियो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, क्या इसमें इस प्रकार से कोई सेग्रीगेशन किया गया कि अमीर के बच्चे को इम्यूनाइजेशन नहीं मिलेगा, गरीब के बच्चे को मिलेगा? इस प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, आपका बच्चा अगर छोटा है, आप जाके पल्स पोलियो की खुराक उसको दे सकते हो। तो एक प्रकार की क्या स्कीम थी, एक प्रकार का यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम था। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई भी बेनिफिट यूनिवर्सल मोटिव से देते हो तो सोसाइटी एज अ होल इंप्रूव होती है। और आज की डेट में आप देखिए 2014 में ही इंडिया को WHO ने पोलियो फ्री मुक्त मतलब घोषित कर दिया था कि हमारे यहाँ पे पोलियो खत्म हो चुका है। कुल मिला के नॉलेज और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ सोशल वेलफेयर, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर है, उसका यूनिवर्सल कवरेज इंडिया में करने का टाइम आ गया और वही चीज़ मिसिंग है।
अगर आप बात करो इंडिया में मदद करने की, तो बहुत सी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग प्रकार की सोशल प्रोटेक्शन वो देती हैं। तो आप देखो कि वुमेन्स के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हैं उनको फ्री में एलपीजी के सिलेंडर्स दिए जाएंगे, मनरेगा के अंदर आपको ऑन डिमांड जॉब मिलेगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन इन स्कीमों को अलग अलग प्रकार से चलाया जा रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज इनको देख रही हैं, इनका मैनेजमेंट अलग अलग प्रकार से होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत अलग अलग प्रकार की सोशल प्रोटेक्शंस हैं और इन सोशल प्रोटेक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट चलाते हैं। इन स्कीम्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग सब स्कीम्स हैं। अब इसके चक्कर होता क्या है कि अलग अलग स्कीम का अलग अलग डाटा कलेक्शन होता है। अब अगर यहाँ पे एक ऐसा यूनिवर्सल सिस्टम बनाया जाता जहाँ पे सेंट्रलाइज होती सब चीज़, एक हेड होता और उस हेड में ये लिखा हुआ होता कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ये स्कीम का बेनिफिट मिला, ये स्कीम का बेनिफिट मिला, ये स्कीम का बेनिफिट मिला, कुछ इस प्रकार का इंडिया में नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें इंडिया में कर दी जाएं और यूनिवर्सल अप्रोच से लेके चीज़ों को चला जाए, तो फिर ये देखा जाएगा कि एक इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की क्या औकात है, वो कितना कमाता है और उसके हिसाब से उसने कितनी स्कीमों का बेनिफिट लिया। लेकिन अभी के लिए क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट को फ्रैक्शनलाइज कर रखा गया है। कुछ लोगों को हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही है, कुछ लोगों को आपकी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग आप कह सकते हो मिनिस्ट्रीज को दे दिया गया है। तो डाटा सेग्रीगेशन है, ओवरऑल मॉनिटरिंग भी अलग अलग प्रकार से होती है, जिसके चलते एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं आ पाती। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच आ जाती तो यूनिवर्सल सोशल बेनिफिट के सिद्धांत को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते, हम देख पाते कि एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या क्या स्कीम बेनिफिट मिला है और क्या सच में उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक स्कीम का बेनिफिट को अलग आपने एसेस किया, दूसरे को अलग एसेस किया, तो इसमें होता क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारी स्कीम का साइमल्टेनियसली बेनिफिट उठा ले जाएंगे जबकि वो डिजर्व भी नहीं करते, और कुछ वल्नरेबल लॉट तबका ऐसा बचेगा जिसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एग्जांपल लेते हुए माधुरी जी बोल रहे हैं कि इस एक पर्टिकुलर स्कीम को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बदला जा सकता है अगर ये कहीं ना कहीं बाकी स्कीमों से मिला दिया जाए। ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या हो गया कि भाई चाहे आप बिहार के हो, आपके पास बिहार का राशन कार्ड है, तो भी आप महाराष्ट्र के फेयर प्राइस शॉप में जाके सस्ते दामों पे गेहूं, धान, चावल खरीद सकते हो। तो कंसोलिडेशन है मतलब कि आप इंडिया में कहीं पे भी हो, आप अपने कार्ड के बेसिस पे कहीं पे भी जाके कहीं से भी कोई भी ग्रेन खरीद सकते हो। तो इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिस्टम बोला गया। तो ऐसी ही किसी स्कीम के थ्रू गैस सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मनरेगा की वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप एक हेड के अंदर ले आओ, तो उस एक हेड के अंदर आने से होगा क्या कि भाई आप देख पाओगे कि सच में लोगों के पास कितनी चीज़ें कैसे पहुंची। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भी आप कह सकते हो मदद की ज़रूरत है। क्यों मदद की ज़रूरत है कि भाई देखिए, राज्य की सरकारें अलग स्कीमें चलाती हैं, केंद्र की सरकारें अलग स्कीमें चलाती हैं। अब ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो अलग अलग स्कीम चलाती हैं, इसको कंसोलिडेटेड मैनर में अगर चलाया जाता है तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स नहीं होंगे। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक लिमिट से ज़्यादा स्कीम्स के बेनिफिट मिल गए जितना उसको चाहिए भी नहीं थे, और एक पर्टिकुलर पर्सन को जितनी स्कीमों के बेनिफिट चाहिए थे वो भी नहीं मिला। तो वल्नरेबल ग्रुप्स जो यहाँ पे छूट जाते हैं वो नहीं होगा, और जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा उठा ले जाते थे वो नहीं होगा। यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे कि फोकस होगा डाटा डिजिटाइजेशन पे, डाटा डिसीजन मेकिंग पे, कोलैबोरेशन होगा अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे माधुरी जी ने बताई हैं। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक और बात बोली गई, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए पीडीएस कार्ड होता है, या फिर कह लीजिए राशन कार्ड। अभी राशन बांटने के लिए भी आप एक काम करो, राशन कार्ड मत रखो, आप आधार कार्ड या वोट कार्ड के थ्रू बांट दो, वोटर आईडी कार्ड। अगर आधार कार्ड के थ्रू आप राशन बांटते हो, आधार कार्ड के थ्रू ही आप गैस देते हो, आधार कार्ड के थ्रू ही आप इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट देते हो, आधार कार्ड के थ्रू आप फर्टिलाइजर का बेनिफिट देते हो, एक ही कार्ड के थ्रू अगर आप सारे बेनिफिट देते हो, तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने कितने बेनिफिट उठाए, इसको सरकार बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी अलग अलग बेनिफिट्स के लिए अलग अलग कार्ड्स हैं, जिसके चलते मॉनिटरिंग बैक एंड में इग्नोर हो जाती है। समझ गए? तो ये था पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पे जो भी आप कह सकते हो कि आइडियाज़ यहाँ पे ऑथर ने दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। जो चीज़ बोलने में इतनी आसान होती है, इम्प्लीमेंटेशन में उतनी ही मुश्किल हो जाती है। आगे चलते हैं, मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग। हेल्थ मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग COVID-19 इग्नोर एविडेंस, प्राइसिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड सोशल रेवलेंस। भैया यहाँ भर भर के
22 अप्रैल को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनकी बुराई की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी पहली जो कोविड 19 की मैनेजमेंट गाइडलाइंस इशू की थी वो 2020 अप्रैल मई के समय पर की थी। उस समय पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात की गई थी, ठीक है ना। अभी आगे बताता हूँ। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात जब पहली गाइडलाइंस में सरकार ने करी तो लोग दौड़ पड़े हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को खरीदने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इतनी इफेक्टिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रीट कोरोना वायरस। उस रिस्पेक्ट में 22 अप्रैल को जो गाइडलाइंस इशू हुई है उसमें बात की गई है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को फिर से जगह दे दी गई है। यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं, और बाय द वे मैं बता दूं इस आर्टिकल के ऑथर कौन है, तो ऑथर है अनूप अग्रवाल साहब, ये लीड ऑथर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लेड ट्रायल ऑन कन्वर्सेंट फार्मा के। प्लेसिड ट्रायल चल रहे हैं, ये प्लेसिड ट्रायल क्या है, ट्रायल्स हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के, ठीक है ना। तो ये इसके लीड ऑथर है अनूप अग्रवाल साहब, और फिजिशियन भी हैं रोहो बेथ मैकिनले क्रिश्चियन हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज गैलप न्यू मैक्सिको यूएसए में। तो बड़ी पर्सनालिटी है भाई, छोटी मोटी पर्सनालिटी तो है नहीं। इनका ये बोलना है कि जब भी आप नेशनल लेवल की गाइडलाइंस बनाते हो, जब भी सरकारें गाइडलाइंस इशू करती हैं तो एविडेंस दिखना पड़ता है, जो भी दवाई आप उसमें लिस्ट कर रहे हो उसके दाम देखने पड़ते हैं कि गरीब लोग खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सोशल रेलिवेंस, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को सीधे सीधे क्रिटिसाइज़ करते हुए डॉक्टर बोल रहे हैं कि लगता है शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कुछ भी नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल 22 अप्रैल को हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस इशू की उसमें ये बोला कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को एक इम्पॉर्टेंट दवाई बताया गया। तो बात यहाँ पे ये है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवाई है जो कि बहुत लंबे समय से इसके बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे कहा जा सके कि ये पोटेंट तरीके से कोविड 19 को सॉल्व कर सकती है। उसके बावजूद भी अलग अलग देश की सरकारें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को रिकमेंड कर रही हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, और इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। फिर आगे बात की जाए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली एक ट्रायल कंडक्ट किया है ऑन कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, 464 पेशेंट्स पे ट्रायल कंडक्ट हुआ, और ये बोला है कि भाई प्लाज्मा कोविड 19 से सफर कर रहे लोगों की जानें नहीं बचाता है। ऐसा ही आप एक कह सकते हो कि स्टडी या ट्रायल यूके में भी हुआ था जहां पे 10,000 पेशेंट्स इन्वॉल्व थे। कन्वेलेसेंट फार्मा प्लाज्मा का बस एक आप कह सकते हो छोटा सा फायदा है, और ये फायदा कहां से निकल के आ रहा, अर्जेंटीना से। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज होने के 3 दिन के अंदर कन्वेलेसेंट प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर जो माइल्ड डिजीज है वो शायद सीवियर डिजीज की कैटेगरी में ना जाए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान सुनिएगा। किसी को डिजीज हुआ, कोरोना वायरस हुआ और उसमें मॉडरेट सिम्टम्स आने शुरू हुए, पहले 3 दिनों के अंदर अगर आप उसको कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दे सकते हो तो उसकी माइल्ड डिजीज पूरे चांसेस में माइल्ड ही रहेगी, सीवियर डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन पहले 3 दिन बीत गए उसके बाद भी अगर आप दे देते हो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा तो भी कुछ होने वाला नहीं है, माइल्ड डिजीज सीवियर डिजीज में जाएगी ही जाएगी। तो मतलब पहले 3 दिन में आपको प्लाज्मा चढ़ाना है। ये स्टडी कहाँ से निकल के आई है, अर्जेंटीना से निकल के आई है। इंडिया में ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में इस समय पर अगर आप देखो तो कोविड 19 के रिजल्ट ही 2 से 5 दिनों में आ रहे हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट रिजल्ट आने में 2 से 5 दिन लग रहे हैं, तो जब रिजल्ट आने में 2 से 5 दिन लग रहे हैं तो भाई आप ये कैसे सोच सकते हो कि भाई प्लाज्मा आपको पहले दिन 3 दिनों में दे दोगे, समझ के बात को। तो कुल मिला के जो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है 3 दिन की वो इंडिया में वर्चुअली इम्पॉसिबल है। ओके, 3 दिन वैसे ही बीत जाएंगे आरटीपीसीआर के रिजल्ट आते आते, फिर हॉस्पिटलाइजेशन होते होते, टेस्ट का एक्सरे होते होते 3 दिन बीत जाएंगे, आप प्लाज्मा चढ़ा नहीं पाओगे। उसके बाद भी यहाँ पे प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है एक उम्मीद के रिस्पेक्ट में कि भाई शायद कुछ हो जाए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, जबकि पहले 3 दिन में चढ़ा दीजिए तो कम से कम मॉडरेट डिजीज सीवियर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो उस रिस्पेक्ट में प्लाज्मा को भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया, इसको भी काफी अनसाइंटिफिक बताया जा रहा है। फिर एक ड्रग है आइवरमेक्टिन नाम का, ये जो ड्रग है ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट यूज होता है, इसको भी अभी गाइडलाइंस में रिकमेंड किया गया। अभी इसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है, विद नो गुड क्लिनिकल ट्रायल टू सपोर्ट इट्स यूज एंड द WHO रिकमेंडिंग अगेंस्ट रूटीन रूटीन यूज, वन वंडर्स व्हाट लेड्स टू इट्स इंक्लूजन। अभी तक कोई भी प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल इस बात को सजेस्ट नहीं करता है कि ये जो आइवरमेक्टिन है वो कोविड 19 को सॉल्व कर सकता है, और WHO ने साफ साफ रिकमेंड किया है कि आइवरमेक्टिन को ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है। उसके बावजूद भी 22 अप्रैल की हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में आइवरमेक्टिन का नाम है। तो कौन से बेसिस पर आइवरमेक्टिन का नाम रखा गया है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। फिर भाई एक और चीज़, रामदेसिविर,
ये तो भाई आप जबरदस्त तरीके सुन रहे हो। रामडेसिविर एक ऐसा ड्रग है जो कि मलेरिया को ट्रीट करता है और इसको कहीं ना कहीं COVID-19 के पेशेंट्स में एज अ लास्ट रिसॉर्ट दिया जाता है कि हाँ भाई ये शायद COVID-19 से सफ़र कर रहे पेशेंट को ठीक कर दे। इतनी ज़्यादा रामडेसिविर की डिमांड हो गई इंडिया में कि भाई इसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। 800 का इंजेक्शन 4,000 5,000 का बिक रहा है। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे साइंटिस्ट का ये बोलना है कि रामडेसिविर लाइफ्स नहीं बचा सकता, बस ये इतना कर सकता है कि जल्दी आपको लाइफ मतलब ये हॉस्पिटल से रिलीव करवा देगा, आपकी रिकवरी को थोड़ा फास्ट कर सकता है, बट ये लाइफ सेव नहीं कर सकता। अगर किसी को बहुत क्रोनिक या फिर हाई लेवल का इन्फेक्शन हो गया, सीवियर इलनेस हो गई, तो रामडेसिविर दे दोगे तो उसकी जान नहीं बचने वाली, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि इस रिस्पेक्ट में मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको रामडेसिविर दिया गया, वो ठीक हुए हैं। अभी वो ठीक अपनी इम्यूनिटी की वजह से हुए हैं या रामडेसिविर की वजह से हुए हैं ये किसी को नहीं पता है। इसके बारे में कोई प्रॉपर स्टडी या रिजल्ट हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रामडेसिविर, इस प्रकार के जो ड्रग्स हैं ना, इनको आप कह सकते हो कि वंडर ड्रग बताया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इनके मार्केट में दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर आप देखोगे इनकी इफेक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मीन्स तो उतनी आपको नज़र नहीं आएगी। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी इतना नहीं बताती कि हाँ भाई ये बिल्कुल सब तरीके से सब कुछ ठीक कर देंगे। उसके आगे बात की जाए, एक इनहेलर है जिसको बोला जाता है ब्यूटोसोनाइड इनहेलर्स। अभी ब्यूटोसोनाइड इनहेलर्स की अगर बात की जाए तो माइल्ड पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया गया। इसको ऐसा बोला गया है कि जो माइल्ड पेशेंट हैं, मतलब जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत माइल्ड प्रकार से हुआ है, सीवियर नहीं है, उनको अगर आप ब्यूटोसोनाइड इनहेलर्स दो तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। मतलब कुल मिला के माइल्ड से जो पेशेंट है वो सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा अगर आप उसको ब्यूटोसोनाइड इनहेलर देते हो। प्रॉब्लम ये है कि COVID-19 के 80% से ज़्यादा केसेस इंडिया में माइल्ड है, सीवियर नहीं होते हैं। ज़्यादातर इम्यूनिटी शरीर की COVID-19 को हरा देती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो ब्यूटोसोनाइड इनहेलर है ये किसके लिए ज़रूरी है? ये एस्थमा पेशेंट्स के लिए होता है, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमनरी डिजीज COPD से जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। अभी COVID-19 के माइल्ड पेशेंट्स को सीवियर नहीं होगा ब्यूटोसोनाइड इनहेलर से। इस प्रकार की गाइडलाइन अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलीज करेगा तो होगा क्या कि सब लोग COVID-19 के लिए ब्यूटोसोनाइड इनहेलर को खरीद कर रख लेंगे। उसके चलते जिनको सच में ज़रूरत है, एस्थमा पेशेंट्स या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट्स, उनके लिए ये ब्यूटोसोनाइड इनहेलर मार्केट में कम पड़ जाएंगे तो इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी सुनी हो जाएगी। ये बात यहाँ बताई, जबकि प्रिंसिपल ट्रायल के हिसाब से ये बताया गया है कि ब्यूटोसोनाइड इनहेलर केवल सेल्फ रिपोर्टेड सिम्टम्स को सही करते हैं माइल्डली सिक पेशेंट्स में, ठीक है ना। लेकिन तब भी अब माइल्डली सिक बोल दिया तो 80% तो माइल्डली सिक है COVID-19 में, तो सब खरीदने चले जाएंगे। और उसके चलते एस्थमा और COPD से सफ़र कर रहे लोग जिनको सच में ब्यूटोसोनाइड इनहेलर की ज़रूरत है वो यहाँ पे झेल जाएंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है COPD, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ब्यूटोसोनाइड के ऊपर जो भी रिसर्च चल रही है दुनिया भर में उसके फाइनल पब्लिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए था। एकदम से आप रिकमेंडेशन कर दो, अब यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने 22 अप्रैल में जो गाइडलाइंस इशू की हैं, जो भी दवाई थोड़ी बहुत भी पेशेंट को सही कर रही है सबका नाम रख दिया है, चाहे आइवरमेक्टाइन हो, चाहे फिर ब्यूटोसोनाइड इनहेलर हो, चाहे रामडेसिविर हो, चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, सारे नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं कि भाई सब कुछ लगा लो शायद किसी से कुछ इफेक्ट आ जाए। तो ये बहुत अनसाइंटिफिक टाइप का बिहेवियर है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर आगे बात की जाए, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका बीच बीच में नाम आता था, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविपिराविर, आइटोलोजुमिब और कोरोनिल। ये जो ड्रग्स थे, इन ड्रग्स से भी कुछ लोग पहले बोलते थे कि भाई ये कोरोना वायरस को ठीक कर सकते हैं, बाद में पता चला कि ये कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर सकते। तो फॉर्चुनेटली जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की 22 अप्रैल को, उनमें इन ड्रग्स के नाम नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे डॉक्टर्स बिना सोचे समझे इन मेडिसिन को पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो ये भी नुकसानदायक है। उसके बाद खास बात दोस्तों ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फ्रॉम रीजेनरॉन एंड एल लिली को मेंशन नहीं किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है दुनिया भर में कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और रीजेनरॉन है, एल लिली है, ये सबसे इफेक्टिव एंटीवायरस वायरल है COVID-19 की ट्रीटमेंट में। तो जो सच में जिस पर्टिकुलर चीज के अंदर पोटेंशियल है कोरोना वायरस को ठीक करने का, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस में इंक्लूड ही नहीं किया। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या बताया जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि जो मैसेजिंग जो है ना COVID-19 की मैनेजमेंट को लेके, वो इंडिया में बहुत गड़बड़ है।
हम अगर अपनी मैसेजिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएसए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए से कंपेयर करते हैं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन और WHO और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिकमेंडेशन, इनमें फर्क नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई इंडियन हेल्थ सिस्टम को कंटेक्स्ट में रखते हुए ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और प्रूवन ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे हाथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि जो दवाई थोड़ी भी ठीक कर रहे हो उसको आप मेंशन कर दे रहे हो अपनी गाइडलाइन में। फिर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ऑक्सीजन डिलीवरी पे, स्टेरॉइड्स पे, एंटी कोएगुलेंट्स पे, चलिए इस पे तो थोड़ा बहुत सरकार ने ध्यान दिया है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया कि जब आप ज्यादा ट्रीटमेंट लिख दोगे अपनी गाइडलाइंस पे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ज्यादा ज्यादा दवाइयाँ ले लो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसके चलते उनके जेब से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, हेल्थ केयर रिलेटेड बैंकरप्सीज बढ़ सकती है कि हाँ भाई उनका पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा, बट एक्चुअली में वो सही होंगे इस बात की देखिए कोई गारंटी है नहीं। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा आप प्रपोज करो जो सच में इफेक्ट डाले, जो सच में इंसान को बीमारी से बचाए, ना कि ऐसा जिसमें आपकी जेब से पैसा भी निकल जाए और एट द एंड आपकी हेल्थ प्रॉब्लम सही भी ना हो। तो यही बोल रहा है कि जो गाइडलाइंस 22 अप्रैल को हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज किए हैं उनको रिटर्न करना चाहिए ताकि हेल्थ केयर सिस्टम पे एक्सेस स्ट्रेन ना पड़े और थोड़ी सी गाइडलाइन को हम लोग और साइंटिफिक बोल सकें, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। फिर आगे बात करते हैं एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द साइलेंट थ्रेट, ये मैं कहूंगा कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैसे, एंटी माइक्रोबियल थ्रेट कोविड 19 से कम खतरनाक नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। जनवरी 2020 से क्या हो रहा है, 3 मिलियन डेथ्स देखने को मिली है अब तक कोविड 19 के चलते, हेल्थ सिस्टम्स टूट गई हैं दुनिया भर की, इवन रिचेस्ट कंट्रीज की हालत भी काफी खराब रही, यूएसए को देख लीजिए, यूके को देख लीजिए और इंडिया की तो खैर आप छोड़ी दो, हालत आपको दिख ही रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर चुका है कोविड 19, पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, तो क्रॉस नेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है सर्वेलेंस में, मॉनिटरिंग में, डिजीज नोटिफिकेशन में, पब्लिक हेल्थ इवेंट्स को मैनेज करना, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को बचाना, ये बहुत बड़ी हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है। और ये जो कोविड 19 की क्राइसिस है ना, दिस इज नॉट इन आइसोलेशन, फ्यूचर क्राइसिस का हार्बिंगर है ये कोविड 19 की क्राइसिस। आगे आने वाले समय में एक क्राइसिस को बहुत ज्यादा एक्यूट कर सकती है और वो क्राइसिस है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। अब क्या होता है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसके थ्रू बैक्टीरिया और फंगी इवॉल्व होने लगेंगे और रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू प्रेजेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने अक्सर कर देखा होगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है, यार ये खा लो एंटीबायोटिक खा लो। अब ये एंटीबायोटिक आप खा लेते हो और आपका दर्द कुछ समय के लिए सही हो जाता है, कहीं सूजन हो गया, बुखार आ गया, आपके दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या बोलता है एंटीबायोटिक खा लो, ठीक है भाई। आपने एंटीबायोटिक खाए, आपके कीटाणु मर गए, आपका दर्द ठीक हो गया, लेकिन क्या ये परमानेंट इलाज है? ऑब्वियसली बात है ये परमानेंट इलाज नहीं है। होता ये है कि जब आप एक जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हो तो आपका शरीर में जो कीटाणु होते हैं ना वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। पहले क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे कभी कभार किसी का पेट खराब हो जाता था तो बोल दिया जाता था कि नॉरफ्लॉक्स टीजेड खा लो। नॉरफ्लॉक्स टीजेड इज एन एंटीबायोटिक, वो पेट खराब की दवाई नहीं है, लेकिन लोग बिना मतलब नॉरफ्लॉक्स टीजेड खाते घुमा करते हैं। आज की डेट में आप देखोगे कि एंटीबायोटिक्स जो बिकती है ना उनके कवर के ऊपर एक रेड लाइन लगी होती है जो आपको बताती है कि इसको प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खाने के लिए है और एक प्रॉपर कोर्स में खाने के लिए है। मतलब अगर एक बार आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करते हो तो उसको पूरा खत्म करो। फिर आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा चैलेंज बोला जा रहा है। जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानम घेब्रेसियस, जुलाई 2020 में उन्होंने बोला था कि AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक छोटी धीमी सुनामी है जो कि एक सेंचुरी 100 साल के मेडिकल प्रोसेस को पलट के रख सकती है। अभी के डेट में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सालाना 7 लाख डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अगर अब तक हमने अर्जेंट मेजर्स नहीं लिए तो इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के चलते हर साल 1 करोड़ डेथ्स देखने को मिल सकती हैं और 2050 तक सालाना $100 trillion का नुकसान देखने को मिल सकता है। 2050 तक $100 trillion का नुकसान और 1 करोड़ डेथ देखने को मिल सकती है सालाना। तो डेथ्स हैं, देखिए ये जो 10 मिलियन है ये एनुअल डेथ्स है, मतलब 1 करोड़ डेथ्स प्रति ईयर बाय 2050 और $100 trillion टोटल बाय 2050 ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू AMR। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू मॉडर्न वैक्सीन, ठीक है भाई। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन
जब दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो ये जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन अगर एक बार हो गए तो दवाई उनको सॉल्व नहीं कर पाएगी, ठीक नहीं कर पाएगी। और इसके चलते जो छोटी मोटी सर्जरी की जाती हैं, जो कैंसर की कीमोथेरेपी की जाती है, अगर आपको कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीट करना, ये भी डेडली बीमारियों में बदल सकते हैं। नियोनेटल मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी, मैटरनल मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं। अभी उन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी कभी कभी उस नवजात शिशु को छोटे डोजेस में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये फंगी और ये बैक्टीरिया अगर ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो मरने का रेट नवजात शिशु में भी और एडल्ट में भी बढ़ जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो लो इनकम कंट्रीज पर, मिडिल इनकम कंट्रीज पे। ये जो LMICs है ना, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इन्होंने कहीं ना कहीं बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल किया एंटी माइक्रोबियल्स को, बड़े सस्ते में और आसानी से एंटी माइक्रोबियल्स बिकते हैं यहाँ पे। आपको पता है अगर आपको किसी यूरोपियन कंट्री में जाके कोई एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक खरीदना है तो पहले तो आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ठीक है भाई 7 दिन के लिए ये दवाई ले लो। आप उस दवाई का पर्चा लेके जब मेडिकल स्टोर में जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाला आपसे दवाई का पर्चा ले लेगा, आपको दवाई दे देगा। इंडिया में क्या होता है कि आपको पर्चा मिलता है, पर्चा आपके पास रहता है, इस पर्चे को आप कितने भी समय के लिए जाके दवाई खरीद सकते हो। ये चीज़ यूरोपियन कंट्रीज में नहीं, चूँकि यूरोपियन कंट्रीज इस बात को समझ चुके हैं कि भाई ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये शरीर के लिए अच्छे नहीं है, ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, ये शरीर की जो नेचुरल ताकत है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की उसको खराब कर देते हैं। उसके चलते ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी आसपास की, इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें खुलेआम एंटीबायोटिक्स बिकते हैं और ये एंटीबायोटिक हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए सही नहीं है। ठीक है भाई, इसके रिस्पेक्ट देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। अब अभी के लिए जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जो ड्रग रेजिस्टेंस निकल के आते हैं माइक्रोब्स में वो बहुत वजह से, ड्रग रेजिस्टेंस मतलब कि एक दवाई पहले माइक्रोब को मार रही है, वही दवाई बाद में माइक्रोब को नहीं मार रही है। अब ये ड्रग रेजिस्टेंस आता क्यों है? एक लिमिट से ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, फिर एंटीबायोटिक्स का गलत प्रकार से एग्रीकल्चर में प्रयोग करना, फिर ये जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, उसके बाद उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वेस्ट को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, तो एनवायरनमेंट में ये आप कह सकते हो एंटीबायोटिक्स पहुँच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जानवरों में, इंसेक्ट्स में, ह्यूमंस में किसी ना किसी प्रकार से पहुँच ही जाएंगे, पानी में पहुँच जाएंगे, वही पानी आप पी लोगे, वही पानी जानवर पी लेंगे। तो कुल मिला के इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है माइक्रोब्स का वो हमारे एनवायरनमेंट में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दवाई बढ़ रही है, सॉरी बीमारी बढ़ रही है तो बीमारी का इलाज भी बढ़ना चाहिए। अभी COVID-19 आया तो वैक्सीन बनी ना, तो अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो नए नए माइक्रोब्स को मारने के लिए आप दवाई भी बढ़ाओ, वो नहीं हो रहा है। पिछले 2 से 3 डेकेड्स में ये देखने को मिला है कोई भी बड़ी नई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं दवाइयों की, वो एंटीबायोटिक नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? उसका रीज़न ये है, इन कंपनीज का ये बोलना है कि भाई हम एंटीबायोटिक से दवाई बनाते हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं फिर से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर से रेजिस्टेंट होने के बाद हमको फिर 2 साल बाद दवाई बनानी पड़ती है, और 2 साल में हमारे कॉस्ट रिकवर करते नहीं, हम ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाते। तो जो चीज़ का इफेक्ट 2 से 3 सालों में ही ख़त्म हो जा रहा है जिस दवाई का, उसको बनाने में हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म हो रहे हैं, दवाई बन नहीं रही, हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते बहुत सारे बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने एंटीबायोटिक्स की बनाने की कोशिश करना ही बंद कर दिया। और आज की डेट में एक रिपोर्ट है फ्रॉम नॉन प्रॉफिट PEW ट्रस्ट, जो कि बोलती है कि 95% आज की डेट में जो एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं वो छोटी कंपनीज बना रही हैं। ओके, और 75% ऑफ विच हैव नो प्रोडक्ट्स, मतलब जो छोटी कंपनीज एंटीबायोटिक्स बना रही हैं 95% ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसमें से 75% कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। कोई भी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी आज की डेट में मार्केट में एंटीबायोटिक्स बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। उसके चलते भाई ये जो नए एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन आ रहे हैं उसके लिए कोई भी नई एंटीबायोटिक आएगी, इस बात में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए क्या किया जा सकता है? अ मिक्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सेक्शंस। पहली बात तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि वो एंटीबायोटिक बनाए। दूसरी बात है कि भाई लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक मत इस्तेमाल करो, ये खतरनाक है। फिर यहाँ पे ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को सच में एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत है उनको सही समय पे एंटी माइक्रोबियल्स मिलें। अभी के समय पे 5.7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, लगभग 57 लाख लोग दुनिया भर में इसलिए मरते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो ड्रग से ट्रीटेबल नहीं है, ठीक है ना।
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वहां बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही कि एक ऐसे ड्रग की कमी है अभी के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से एक साल में 7 लाख डेथ हो रही है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। दूसरी क्या है, मतलब 7 लाख डेथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब आपके शरीर ने इतनी बार एंटीबायोटिक्स खाई है कि आपके शरीर में जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर अब एंटीबायोटिक्स इफेक्ट ही नहीं कर रही, वो एक डिफरेंट चीज है। और ऐसे इन्फेक्शन जिनके लिए डिजीज, मतलब ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज जिनके लिए दवाई अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से 5.7 मिलियन पीपल मर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें। आप देखिए, जितना भी ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है माइक्रोब्स में, इसके लिए पहली बात बहुत सारे सर्वेलेंस मेजर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। इन सर्वेलेंस मेजर्स में आपको हॉस्पिटल्स के ऊपर एक ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक्स बहुत इस्तेमाल होती है। लाइव स्टॉक जिनको एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं उन पर ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट वाटर में देखना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक्स का क्या लेवल है। फॉर्म रन ऑफ एग्रीकल्चर में जो पानी बह के बाहर निकलता है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसमें कितने एंटीबायोटिक्स हैं। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स इन सोर्सेज में मेजर करोगे तो आप पता कर पाओगे कि किस हद तक नए एंटी माइक्रोबियल्स बनेंगे। क्योंकि देखिए, माइक्रोबियल्स हर जगह अवेलेबल है, हवा में भी अवेलेबल है, पानी में भी अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी अवेलेबल है। अभी वहाँ पर आपकी एंटीबायोटिक पहुँचेगी तो उन एंटीबायोटिक्स से वो माइक्रोब लड़ेंगे, कुछ मर जाएंगे और कुछ नए पैदा हो जाएंगे। जो नए पैदा होंगे वो रेजिस्टेंट हो चुके होंगे, और फिर उन नए को मारने के लिए आपको नई एंटीबायोटिक चाहिए, जिसके लिए कोई भी रिसर्च अभी के लिए नहीं चल रही है, कंपनी की तरफ से, सरकारों की तरफ से चल रही है। अब देखते हैं कि क्या रिसर्च चल रही है। एक मल्टी सेक्टोरल $1 बिलियन का AMR एक्शन फंड लॉन्च किया गया था 2020 में, जो कि ये बोलेगा कि नए एंटीबायोटिक्स पर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। UK एक ट्रायल चला रहा है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की बात हो रही है फॉर पेइंग फॉर न्यू एंटी माइक्रोबियल्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग देयर कॉमर्शियल वायबिलिटी। यानी UK यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कर रहा है, जिसमें भाई जो भी लोग एंटी माइक्रोबियल्स बनाने में इन्वॉल्व हैं वो कॉमर्शियल वायबल बने रहे, उसके लिए सरकारें पैसा दे रही हैं। कुल मिला के आगे आने वाले समय में सरकारों से उम्मीद की जा रही है कि भले ही अगर प्राइवेट कंपनीज पैसा नहीं दे रही हैं तो सरकार पैसा दें एंटी माइक्रोब्स को बनवाने में। चूँकि इस बात पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने एंटीबायोटिक्स बिकेंगे, इस बात पे ध्यान देना जरूरी हो कि जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है कम से कम हमारे लिए उसके पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके रिस्पेक्ट में और इनिशिएटिव्स की भी ज़रूरत है, जैसे कि एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये तो मैंने आपको बताई। पेरू में ऑलरेडी इस बात के ऊपर एफर्ट शुरू हो चुके हैं कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए कि आप अननेसेसरी प्रकार से एंटीबायोटिक ना खाएं। ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में भी ये बोला जा रहा है कि भाई जो लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनको समझाया जाए, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस लाने की कोशिश की जाए। पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दांत में दर्द हो रहा है तो दांत का इलाज करो, ना कि एंटीबायोटिक खा के दर्द हटाओ। और कुछ इस प्रकार का ही प्रोग्राम VALUE DX नाम का प्रोग्राम चल रहा है यूरोपियन यूनियन में। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के गंदे इफेक्ट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप देखोगे कि ह्यूमन यूज के अलावा डेनमार्क जैसी कंट्रीज इस बात पे भी कोशिश कर रही हैं कि लाइव स्टॉक्स में एंटीबायोटिक्स कम से कम एडमिनिस्टर किए जाएं, ताकि ये जो रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हैं ये केवल ह्यूमंस में ही नहीं एनिमल्स में भी पैदा ना हो। चूंकि अगर वो एनिमल में पैदा हो रहे हैं तो कैसे ना कैसे करके ह्यूमन में पहुंच जाएंगे। जो लैम मटन चिकन आप खाते हो, अगर उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल सुपर बग है तो वो आपके शरीर में आ जाएगा, आपको भी बीमार कर देगा। समझ गया बात को। फिर इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन के थ्रू जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल वेस्ट के थ्रू जो फैलता है, इसको भी कहीं ना कहीं कर्ब करने की ज़रूरत है। तो ये सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई गई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके। आप कह सकते हो बहुत सारी रिसर्च शोध भी चल रहा है इस एंटी माइक्रोबियल, आप कह सकते हो रेजिस्टेंस को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वापस आते हैं COVID-19 पे। COVID-19 का जो आउटब्रेक है वो कहीं ना कहीं इंसान की इम्यूनिटी को चैलेंज कर रहा है। एक फ्लू लाइक प्रॉब्लम, एक सर्दी खांसी की प्रॉब्लम इंसान के शरीर में लेके आ रहा है, जिस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं एक इंसान का शरीर नहीं लड़ पा रहा है। अब जस्ट आप इस चीज़ को इस बात से मिला के देखिए कि एक इंसान के शरीर में COVID-19 का रेजिस्टेंस नहीं आ पा रहा है, ऐसे समय में अगर उस इंसान के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया तो किसी भी हाल में वो इंसान बचेगा? ऑब्वियसली बात है, नहीं बचेगा। तो COVID-19 जैसी बीमारियाँ अगर आगे आती हैं और उस समय तक अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके लिए अगर अप्रोप्रिएट ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, और दो चीज़ें प्रॉब्लम है, क्योंकि COVID-19 रिस्पेक्ट में आपने सुना है कि अगर कोई भी और प्रॉब्लम है तो जल्दी निपट जाओगे, ठीक है। बहुत सारी आपने ऐसी डेथ सुनी होंगी जहाँ पर आपने सुना होगा बहुत सारे यंग लोग हैं, और वो यंग लोग जिनको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी वो COVID-19 की वजह से ख़त्म हो गए। क्या बात की गारंटी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का एक कारण रहा हो? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कुल मिला के
ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, इससे बचने की ज़रूरत है, इसके लिए प्रॉपरली अवेयर होने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लें, जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हो इस बात को देखें कि क्या वो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स को रेगुलरली ना लें, अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक पर्टिकुलर कोर्स की होती है एंटीबायोटिक, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, पूरा कोर्स लें, उस कोर्स से पहले एंटीबायोटिक को ना रोकें, और हो सके तो एंटीबायोटिक ना ही लें, अपनी शरीर की जो नेचुरल ताकत है रेजिस्ट करने की बीमारियों को उसको बचा रहने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।